देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में राज्य वन सेवा पाठ्यक्रम पूरा होने पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य वन सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को मेडल और डिप्लोमा प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त सिद्धांत दास ने कहा कि ट्रेनिंग पूरा करने वाले युवा अफसर पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। एंड आज के ज़माने में जब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग सब देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा इसमें। फॉरेस्ट्री तो है ही है, आप उत्तराखंड में देख रहे होंगे कैसे जंगल में आग लग रही है, नदियाँ कैसे सूख रही है, इसमें फॉरेस्ट्री का भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि भारत के फॉरेस्ट में 2.5 to 3 billion tons ऑफ कार्बन सिक्वेस्टर किया जाएगा 2030 से पहले, तो उसमें भी बहुत रोल रहेगा इन यंग ऑफिसर्स का। देश के 7 राज्यों से 69 युवा अफसरों ने राज्य वन सेवा पाठ्यक्रम पूरा किया, जिनमें उत्तराखंड के 3 लोग शामिल हैं। उड़ीसा के डॉक्टर सत्यजीत कर को गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला, साथ ही उन्हें बैच में ऑलराउंडर भी घोषित किया गया। उसमें से मुझे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में टॉपर आने की वजह से गोल्ड मेडल मिला है और 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं, जिसके वर्किंग प्लान का एक एक्सरसाइज था हमारा और एक इकोलॉजिकल सेंसस और कुछ सारे सब्जेक्ट्स को मिला के सिल्वर मेडल मिला है मुझे। एक्चुअली ये जो 2 साल का ट्रेनिंग है, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर इनकलकेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दैट ए फॉरेस्टर्स नीड टू अप्लाई इन देयर फील्ड। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेनिंग लाइफ के लिए। आई विश कि मैं सबके आशाओं को मैं फुलफिल कर सकूँगा।